So guys, today I come up with some grammar tips that are really beneficial for you. So first grammar tip is, जो नेम है सेंटेंस में कहीं भी नेम आता है ना वो हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है या अगर वो नेम बीच में आ रहा है तो भी वो कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा एंड में आ रहा है कहीं पे भी आ रहा है वो सेंटेंस में कैपिटल लेटर से ही लिखा जाएगा पहला ग्रामर टिप यही है अ नेम ऑलवेज स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर नो मैटर वेयर इट कम्स देखा जाए एग्जाम्पल सुमित इज हियर सुमित क्या है नेम है राइट तो नेम का हमेशा क्या स्टार्टअप या नेम जहां पे भी आएगा कैपिटल में ही आएगा एस के आई इसका कैपिटल है इज हियर मतलब सुमित यहाँ है राइट नेक्स्ट एग्जांपल देखें इज सुमित देयर अब देखो जी सुमित नेम है बीच में आया है तो फिर भी क्या आया है कैपिटल आया है समझ आई क्या सुमित उधर है इज सुमित देयर का मतलब क्या सुमित उधर है तो इसमें भी क्या है एस बड़ा आया है नेक्स्ट देखे इज दैट सुमित क्या वो सुमित है ठीक है जब हम ये बात कर रहे हैं कि क्या वो सुमित है तो लास्ट में आया है उसका नाम तो ये भी क्या आएगा सो आई होप कि आपको फर्स्ट वाली क्लियर हो गई होगी कि नेम सेंटेंस में पहले आए बाद में आए बीच में आए क्या होता है कैपिटल लेटर में होता है नेक्स्ट अगर देखें आई आई को क्या कहते हैं मैं पंजाबी दे विच मैं No matter where it comes in the sentence, it should always be written in capital letter. I जो word है कहीं पे भी आए sentence में जैसे मैंने आपको name का बताया था I भी है जो कहीं पे भी आए तो क्या किस में लिखा जाएगा ये capital letters में लिखा जाएगा देखो जी example देखते हैं I don't know about this इसका मतलब होता है मुझे इसके बारे में नहीं पता तो आई क्या आया इसमें कैपिटल आया अगला सेंटेंस देखें ये स्टार्टिंग में आया स्टार्टिंग तो हमें अंडरस्टैंडिंग है कि स्टार्ट तो हमेशा कैपिटल से होता है बट जो बेसिक रूल है ये है कि सेंटेंस में कहीं पे भी आए तो ये कैपिटल होगा व्हाई आर आई डूइंग दिस मैं ये क्यों कर रही हूँ देखो जी सेंटेंस के बीच में आया आए फिर भी क्या होगा ये कैपिटल होगा नेक्स्ट अगर देखें यू एंड आई विल रीच तुम और मैं जल्दी पहुंच जाएंगे देखो जी अगेन बीच में आए है ना तो भी क्या आएगा कैपिटल आएगा दो हमने अभी तक कर ली हैं, जिसमें नेम और आए जिसको पंजाबी या हिंदी दे विच मैं कहते हैं ये दोनों की है कि सेंटेंस दे विच एंड सेंटेंस नू स्टार्ट करन सेंटेंस दे एंड दे उन कुछ भी होए की होंगे ये कैपिटल होंगे राइट आई होप यू आर गेटिंग व्हाट आई एम ट्राइंग टू से नेक्स्ट वन देखिए The next one is a sentence always starts with capital letter and ends with full stop or period or either with question mark or exclamation. अच्छा जी बहुत important है देखो जी अपन कोई भी English का sentence अपन शुरू कर देना जब भी अपन शुरू कर देना कि होता है हमेशा capital letter देना start होता है हमेशा capital letter देना start होता है किधर ना सेंटेंस खत्म होता है जब तुसी फुल स्टॉप लगा देंगे है ना दिस वन या तुसी की कर दो क्वेश्चन मार्क लगा दो तो अपन पता लग जाता है सेंटेंस के विच क्वेश्चन पूछा गया या एक्सक्लेमेशन होता है जब तुसी कोई हैरानी वास्ते या कुछ ऐवें दे तरीके नाल बोल दो ये जब पंक्चुएशन करांगे ना एनी क्लैरिफिकेशन मैं तुम्हें उदो दसूंगी प्रॉपर ठीक है एक ये सेंटेंस हमेशा एवं स्टार्ट होंगे सपोज तुसी फुल स्टॉप लगाता सेंटेंस फिनिश हो गया तो अगर तुसी नेक्स्ट सेंटेंस यूज कर रहे हो या नेक्स्ट सेंटेंस लिख रहे हो उन्हें जो भी किया तो कैपिटल लेटर देना नेक्स्ट सेंटेंस शुरू करना होगा अगेन द सेम प्रोसेस सेंटेंस खत्म होता फुल स्टॉप क्वेश्चन पूछा तुसी तो क्वेश्चन मार्क तो इस तरीके दे नाल की है ये चीज होगी तो आप एग्जाम्पल्स देख लिया ना भैया आई टीच इंग्लिश देखो जी मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो क्या है स्टार्ट्स विद कैपिटल लेटर ओके एंड्स विद फुल स्टॉप सिंपल सेंटेंस है नॉर्मल बात की है कि मैं इंग्लिश पढ़ाती हूँ तो फुल स्टॉप ओके नेक्स्ट अगर देखें डू यू लर्न फ्रेंच क्या तुम फ्रेंच सीखते हो या सीख रहे हो ठीक है तो क्या देखो जी क्वेश्चन पूछा गया है स्टार्ट किससे हुआ है कैपिटल लेटर से एंड किसके साथ हुआ है इसका क्वेश्चन मार्क से ओके क्वेश्चन मार्क से जब हमने इसका एंड किया है तो हमें ये पता चल गया कि सेंटेंस का क्या क्राइटेरिया है क्वेश्चन पूछो तो क्वेश्चन मार्क आएगा
नॉर्मल सेंटेंस बोल रहे हो, आप पॉजिटिव में है तो ये फुल स्टॉप आ जाएगा, बट स्टार्ट किससे होगा? हमेशा कैपिटल लेटर से. नेक्स्ट, व्हाट अ ग्रेट मैन, जैसे हम बात करते हैं ना कितना अच्छा है ये पर्सन, या व्हाट अ ग्रेट मैन, व्हाट अ ग्रेट पर्सनैलिटी, तो उसके नीचे क्या आता है आपका साइन ऑफ एक्सक्लेमेशन, राइट? ये भी किससे स्टार्ट हुआ है? कैपिटल लेटर से. गाइस ये ना बहुत से सिंपल सी चीजें हैं, आपको लग रहा होगा कि हमने करी हुई है, बट क्या होता है कई बार जब हम लिखते हैं सेंटेंसेस या जब हम इनको रिटन फॉर्म में देखते हैं तो हम कई बार ये चीजें भूल जाते हैं और ये सिली मिस्टेक्स की वजह से हमारे क्या है मार्क्स डिडक्ट हो जाते हैं. तो ट्राई करो कि इनको आप प्रॉपर इनको समझो और आगे से अगर आप मिस्टेक करते हो तो उसको ना करो. नेक्स्ट देखें द स्ट्रक्चर ऑफ अ बेसिक सेंटेंस. देखो जी ये वाला ना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है बिकॉज इसमें क्या है आपको पता लग जाएगा कि सेंटेंस किस तरीके से लिखा जाता है, राइट? द स्ट्रक्चर ऑफ बेसिक सेंटेंस. बेसिक सेंटेंस क्या होता है? जो पॉजिटिव सेंटेंस होता है, या आप नॉर्मल बात करते हो मैं लेटर लिखता हूँ, मैं पानी पीता हूँ, तो उनका स्ट्रक्चर क्या होता है जी? सब्जेक्ट होता है, वर्ब होता है, ऑब्जेक्ट होता है. इन तीनों के बारे में मैं अभी आपको थोड़ा थोड़ा बताती हूँ, बट आप अगर जब टेंसेस या बाकी चीजें करोगे तो आपको थोड़ी और क्लैरिफिकेशन हो जाएगी, राइट? You write a letter. तुम लेटर लिखते हो, ठीक है? देखो जी जो काम करने वाला होता है वो आपका होता है सब्जेक्ट, ओके? राइट, मैंने आपको वर्ब एक्शन वर्ब्स करवाई है थोड़ी बहुत, है ना? तो राइट क्या है? लिखना, कुछ क्रिया करना, वो क्या होगी आपकी वर्ब, राइट? क्या लिखते हो, जो आप लिख रहे हो या जो आप काम करते हो उसको क्या कहते हैं? ऑब्जेक्ट. तो बेसिक सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या हुआ? सब्जेक्ट यू, वर्ब राइट, ऑब्जेक्ट लेटर, राइट? ये आपका हो गया आर्टिकल जो थोड़ा कनेक्ट कर रहा है, राइट? तो इसमें क्या है देखा जाए तो ये कैपिटल है एंड विद फुल स्टॉप, वो रूल्स तो अप्लाई होंगे ना इसमें. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम अपना देखें, शी गोज टू स्कूल, जो सब्जेक्ट है जिसकी बात की जा रही है, जो करने वाला है, That is she. This is verb. ये क्या है आपकी verb है जो जा रही है, जो action हो रहा है. School क्या है आपका object, right? Again the same example. Sunita draws a sketch. Sunita करने वाली है, तो ये क्या हुआ subject. Draw कुछ काम कर रही है, जो कोई काम करना क्रिया वो क्या होती है verb. और sketching या sketching कई लोग करते हैं, है ना? तो ये चीज क्या है आपकी ऑब्जेक्ट. Am I clear? Next, structure of a basic negative sentence. Basic negative sentence का क्या स्ट्रक्चर होता है जी? बेसिक और नेगेटिव. नेगेटिव का क्या मतलब होता है? जिस सेंटेंस में नो आता है, नोट आता है. ये चीज देखो जी, हमने जैसे ऊपर भी प्रेजेंट इनडेफिनेट की ली है एग्जाम्पल, तो नीचे भी वही लेंगे. प्रेजेंट इनडेफिनेट का या जो पहले हम ये देखते हैं, फिर मैं आपको इसके आगे बताती हूँ. इसका होता है सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, नोट क्योंकि नेगेटिव है, मेन वर्ब और ऑब्जेक्ट, राइट? अगर इसकी हम एग्जांपल देखें, प्रेजेंट इंडेफिनेट में जो आपकी हेल्पिंग वर्ब होती है ना, वो होती है डू और डज, दो होती है, राइट? तो इससे सेंटेंस देखते हैं, यू डू नॉट राइट अ लेटर, तुम लेटर या तुम चिट्ठी नहीं लिखते हो. देखो जी सब्जेक्ट आ गया, हेल्पिंग वर्ब कौन सी है? डू. उसके बाद जो नेगेटिव है दैट इज नोट. इसके बाद ये क्या है? राइट. क्या था? मेन वर्ब. मेन वर्ब ये जो आप काम एग्जीक्यूट करते हो. और उसके बाद क्या है आपका? ये ऑब्जेक्ट है, लेटर. नेक्स्ट एग्जांपल अगर हम देखें, सुनीता डज नॉट गो टू स्कूल, सुनीता स्कूल नहीं जाती है. नेगेटिव सेंटेंस है, नोट तो आना ही आना है, सब्जेक्ट पहले आएगा. सब्जेक्ट मैंने आपको क्या बताया था? जो काम करने वाला होता है, ओके? जो मेन पर्सन होता है, ठीक है? डज तो आना ही है क्योंकि मैंने आपको बताया हेल्पिंग वर्ब आती है इसमें. गो क्या है आपकी? मेन वर्ब है. और उसके बाद स्कूल क्या है आपका? ऑब्जेक्ट है, राइट? अगला देखें गाइज, इंटेरोगेटिव सेंटेंस का क्या स्ट्रक्चर होता है? इंटेरोगेशन करना, इंटेरोगेटर, व्हेन यू आर आस्किंग सम क्वेश्चंस टू समवन, राइट? इसको कहते हैं इंटेरोगेटिव सेंटेंस, है जिनके पीछे क्या आता है आपका? क्वेश्चन मार्क आता है, राइट? देखो जी इसका स्ट्रक्चर क्या है.
क्वेश्चन वर्ड जैसे व्हाट आर यू डूइंग, व्हाई आर यू डूइंग, जो हम WH फैमिली ऑलमोस्ट क्वेश्चनिंग के लिए ही होती है, क्वेश्चन वर्ड आएगा जी पहले, उसके बाद आएगी हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको क्या बताई है, डू डस पहले बताई है ना कि इसकी प्रेजेंट इंडेफिनिट की या बात करें, उसके बाद पास्ट और फ्यूचर की भी बात करें तो मैं उसको आगे बताऊंगी कि पास्ट में जाके डिड हो जाता है। तो हेल्पिंग वर्ब फॉर टाइम बीइंग हम प्रेजेंट इंडेफिनिट की डिस्कस कर रहे हैं। हेल्पिंग वर्ब आती है, उसके बाद आता है आपका सब्जेक्ट जो मेन पर्सन होता है, मेन वर्ब आती है, फिर आपकी, फिर आता है आपका ऑब्जेक्ट। अच्छा गाइस एक चीज और मैं आपको बताना चाहती हूँ, इफ देयर इज नो क्वेश्चन वर्ड, अगर आपका क्वेश्चन वर्ड सेंटेंस में नहीं है तो व्हाट विल यू डू, द सेंटेंस स्टार्ट्स विद हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब मैंने आपको बताई है, डू डज होती है प्रेजेंट इंडेफिनिट में। सो लेट्स टेक द इंस्टेंस, व्हाई डू यू राइट अ लेटर। देखो जी हम पूछ रहे हैं, सपोज एक बंदा लेटर लिख रहा है और ये पूछा जा रहा है कि तू लेटर क्यों लिख रहा है, व्हाई डू यू राइट अ लेटर। WH फैमिली से क्या क्वेश्चन पूछा गया, उसके बाद क्या है, हेल्पिंग वर्ब आ गई, यू क्या आ गया आपका सब्जेक्ट आ गया, उसके बाद राइट क्या है आपकी मेन वर्ब आ गई, एंड दिस वन इज ऑब्जेक्ट। और उसके बाद हमने क्वेश्चन पूछा है कि तुम लेटर क्यों लिख रहे हो, तो क्या आ गया आपका क्वेश्चन मार्क आ गया। नेक्स्ट देखो, अब इसमें सेकंड एग्जांपल इसलिए पिक करी है कि सपोज इसमें अभी क्या है, हेल्पिंग वर्ब सॉरी क्वेश्चन वर्ड जो है नहीं है, तो हमने उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट किया, डू यू लर्न फ्रेंच, क्या तुम फ्रेंच सीखते हो, तो इसलिए हमने ये भी क्वेश्चन ही पूछा है ना हमने, तो इसके बाद क्वेश्चन मार्क आ गया, ये कैपिटल में आ गया। अगर आपके पास WH वर्ड या क्वेश्चन वर्ड नहीं होता है तो आप उसको हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट कर सकते हो। आई होप आपको ये वाली ग्रामर टिप्स जो है समझ में आई होंगी। आपको कोई भी डाउट है यू कैन रेज एनी टाइम एंड कमेंट सेशंस आर ओन ऑलवेज। तो ये जो है बहुत ही इजी है, बट आई सजेस्ट कि आप इनको थोड़ा पढ़ो देखो ताकि आप आगे से इसको इसमें कुछ भी मिस्टेक ना करो। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।